तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक के बारे में जिसने जीना हराम कर रखा है, तड़कता भड़कता धमाकेदार। अरे भाई कैरी मिनाटी की कॉपी मत समझ लेना इसके इंट्रो से। चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी भी मत समझ लेना। तो जैसा भी है ये मेरा न्यू एक्सपेरिमेंट है, लास्ट में बताना जरूर मत भूलना। तो आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली चीज ये देख लो भाई, तुम ये क्या चल रहा है, फैशन के नाम पे इंडिया में पता नहीं कौन कौन से मॉडल उठ उठ के आ रहे हैं। दिखा दूं तुम्हें नमूना, देख लो उर्फी को। तेरा नशा, नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया। देख लिए, हो गए खुश, भर गई आंखें। लेकिन तुम देखो तो सही यार, ऐसी ड्रेस कौन पहनता है, रात में चूहे कुतर गए क्या यार, टेलर को ढंग से नाप नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं यार, एक बार सबसे गलती हो जाती है। एक रील और दिखाऊंगा आपको इसकी, और आंखें संभाल के पोलियो ना हो जाए। Women. नहीं चलो अब तुम बता दो। अरे भैया ब्लेड है, कहीं कट गया ना तो खून निकलना बंद नहीं होगा यार, बताओ इनको। मुझे आज तक ऐसा लगता था कि इससे सिर्फ शेविंग होती है, लेकिन इससे तो अनेकों काम हो जाते हैं। चलो इन्हें छोड़ देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हुए आते हैं। टॉपिक क्या है यार, ये तो कॉन्ट्रोवर्सी। तो वही कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उर्वशी रोतेला और भाई ऋषभ पंत के ऊपर। वैसे तो मुझे तुम्हें उर्वशी के बारे में बताने का ज्यादा सेंस बनता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जान लो इनके बहुत सारे क्रश भी रह चुके हैं। देखो एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही क्रश है, जो है जान मलिक। तो चलो इस कंट्रोवर्सी को ब्रीफ समरी में समझ लेते हैं। इनका होता है भैया इंटरव्यू, ठीक है, और जो इंटरव्यू के लिए वहां पे ये गई है, तो अब इनको चाहिए था फेम, क्योंकि फेम की आ रही है कमी। अब इन्होंने करा क्या भैया, फेम पाने के लिए नाम ले लिया ऋषभ पंत का, और ये क्या बोलती है फिर देखो तुम। जिसका मैं नाम लेती मिस्टर आरपी, तो आई वाज शूटिंग इन वाराणसी। अच्छा, फिर वहां से आई हैड लाइक अ शो इन न्यू दिल्ली, ठीक है, तो मुझे वहां से मेरी फ्लाइट थी, मैं न्यू दिल्ली आई जी। आई वाज शूटिंग फुल डे एंड द नाइट को आई केम एंड क्विकली आई हैड टू गेट रेडी, बिकॉज़ आपको पता है लड़कियों को ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगता है लड़कों से ज्यादा। ये तो भैया बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने, क्योंकि हम 5 किलो मेकअप थोपने में ज्यादा विश्वास नहीं करते। मिस्टर आरपी केम और वो लॉबी में आकर के वेट कर रहे थे, लाइक ही वांटेड टू मीट, ठीक है, समझ गया। 10 घंटे हो गए एंड आई वाज सो टायर्ड कि मैं सो गई। हु इज मिस्टर आरपी? आई विल नॉट टेक द नेम। ओके, आई विल नॉट टेक द नेम, नाम तो नहीं लूंगी, भले से कितना भी आरपी आरपी कर दूंगी, साले जनता तो चूतिया है ना, आरपी नाम सोच के रिकी पॉन्टिंग को ठोकने लग जाएगी क्यों। लेकिन भैया लग चुकी थी आग, और अब वो बड़ा रूप लेने वाली थी, तो भैया फिर देख लिया होगा ऋषभ भैया ने भी इंटरव्यू। उनके पास तो इतना टाइम होगा नहीं, लेकिन किसी दोस्त ने भेज दिया होगा उनके लिंक, तो उन्होंने देख लिया। उसके बाद उन्होंने डाली स्टोरी, और स्टोरी में लिखा हुआ था, इट्स सो फनी हाउ पीपल लाई इन इंटरव्यू जस्ट फॉर सम मीगर पॉपुलैरिटी एंड फॉर हिटिंग द हेडलाइंस। Head said how some pupils are thirsty for fame and name. May God bless them. Hashtag मेरा पीछा छोड़ बहन, Hashtag झूठ की भी लिमिट होती है। तो भाई यहाँ पे जो ऋषभ भाई ने शक्ति होने का जो प्रमाण दिया है ना अपने, जिस तरीके से रक्षाबंधन आने से पहले ही उसको बहन बता दिया, तो आप समझ जाओगे किस लेवल पे खेलते होंगे वो। अब ऋषभ भैया के इतना बोलते ही उधर से लग गई आग, और इतना गंदी लगी कि पिछवाड़ा जल गया पूरा। तो इन्होंने डाल दी भैया अपने इंस्टाग्राम पे डेडिकेटेड पोस्ट, छोटू भैया शुड प्ले बैट बॉल। अरे ओ दीदी ये बात भूलना मत, वो खेलते ही नहीं है, वो पेलते भी है। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है, मतलब कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये कैसे हो गया यार। मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ बदनाम होने विद यंग किड डार्लिंग, तेरे लिए हैशटैग रक्षाबंधन मुबारक हो, हैशटैग आरपी छोटू भैया, हैशटैग गौरग हंटर, हैशटैग डोंट टेक एडवांटेज ऑफ साइलेंट गर्ल। अच्छा
साइलेंट गर्ल, ओहो ये बताओ कि नहाई कब से नहीं हो, क्योंकि गंदगी आप मुंह से भी हग रही हो। रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी। तो इतना होने के बाद अपने आरपी भैया भी खेल गए और जहाँ उर्वशी रहती थी वहीं के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। देखो जो भी हुआ बढ़िया हुआ, अब मामला बिल्कुल शांत है उर्वशी का आईक्यू की तरह। रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रोस्ट वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।